नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह के निर्वाचन खातिर देश भर 1.5 लाख से ज्यादा पद में मनोनयन दर्ता, उम्मीदवारी फिरता लेवेला आज अंतिम दिन। स्थानीय तह निर्वाचन में बागी उम्मीदवारी देहल सबके मनोनयन फिरता लेवेला कांग्रेस के आग्रह, निर्णय अठेर कैला पर कार्रवाई होके। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी के रिट में आज तेसर दिन अंतिम बहस हो रहल। अंतरिम आदेश के निरंतरता मिली तो अधिकारी नियमित काम में ही रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटरेस यूक्रेन के राजधानी कीव भूगल समय रॉकेट आक्रमण, गुटरेस नजदीक से युद्ध अपराध देख रहा जेलेंस्की के कहना। आ नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से 10 जने खिलाड़ी निकलला बाद नया खिलाड़ी थप करके बंद प्रशिक्षण जारी। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध बागी उम्मीदवारी देहल सबके अपन मनोनयन फिरता लेवे खातिर आग्रह कैले बा। केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल आज एगो विज्ञप्ति जारी करके निर्वाचन आयोग सेतो कल समय भीतर उम्मीदवारी फिरता लेवे खातिर आग्रह कैल गेल बा। उ समय भीतर उम्मीदवारी फिरता ना लेवेला बागी उम्मीदवार सबके साथे उनकर प्रस्ताव का समर्थक पार्टी से स्वतः निष्कासित करके जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल बा। निर्वाचन आयोग से आज सवेरे 10 बजे से साँझ 5 बजे तक के खातिर उम्मीदवारी फिरता के खातिर समय निर्धारण कैल गेल बा। स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर देशभर 1.5 लाख से ज्यादा विभिन्न पद में मनोनयन दर्ता कराल गेल बा। 3 गते होके लागल स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर निर्वाचन आयोग से कार्यतालिका सार्वजनिक कर चुकल बाटे, जेकर अंतर्गत 11-12 गते मनोनयन दर्ता कराओल उम्मीदवार सब आज निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में अपन उम्मीदवारी फिरता ले सकी। आयोग से उम्मीदवारी फिरता ले के चाहवल के खातिर आज साँझ 5 बजे तक के समय दिहल गेल बाटे। उम्मीदवार के नामावली फिरता के समय ओराई लगते आयोग आज उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन करे के जनौले बा। आज नामावली प्रकाशन भैला बाद शनिचर के उम्मीदवार सबके चुनाव चिन्ह प्रदान करे के कार्यतालिका रहल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी से अपना पर शुरुआत कैल कार्रवाई रोके के खातिर मांग करत सर्वोच्च अदालत में दायर कैल रिट में आज तेसरका दिन अंतिम बहस शुरू भइल बा। सर्वोच्च अदालत आज दुनू पक्ष के बहस सुनला बाद अंतरिम आदेश के निरंतरता देवे के वा ना देवे के कहे वाला बारे आदेश करी। अंतरिम आदेश के निरंतरता देहला पर मुद्दा के अंतिम फाइनल ना लागे तक गवर्नर अधिकारी नियमित रूप में काम करे के मिली। अंतरिम आदेश से निरंतरता ना मिलला पर गवर्नर अधिकारी ऊपर के छानबीन समिति सक्रिय होकिया वहाँ के पुनः निलंबन में परिहन। गोपीय सूचना चुहावल और काम में असहयोग कैल आरोप में सरकार गवर्नर अधिकारी पर छानबीन समिति गठन करके निलंबन कैले रहे। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक इंजीनियर प्रदीप अधिकारी जनता के दुख देके आंतरिक उड़ान से वायु सेवा कंपनी कमावल पैसा सह्य ना होके के चेतावनी देले बानी। महानिर्देशक अधिकारी आंतरिक उड़ान के वायु सेवा कंपनी से रात्रिकालीन उड़ान के योजना कार्यान्वयन ना करे के बतावल संगे ऐसा चेतावनी देनी हुए। वहाँ के दूध खाए वाला बच्चा बीमार लड़कोरी घंटों घंटा विमानस्थल में बैठे के पड़ला पर जनता के मार पड़ला से घंटों विमानस्थल में बैठे पड़े के समस्या समाधान के खातिर आंतरिक विमानस्थल सब 18 घंटा, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सब 24 घंटा संचालन करे के निर्णय हो चुकल स्पष्ट कैनी। महानिर्देशक अधिकारी आंतरिक उड़ान के वायु सेवा कंपनी से 18 घंटा उड़ान करे के असक्षम कह के विज्ञप्ति जारी कैल प्रति असंतुष्टि भी जनौले बानी। इसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन 5 भनेर नाम दिएका छौँ। यो डेमोन्स्ट्रेशन 5 आज सम्पन्न भएको अवस्था छ र नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा 74 वर्ष पछाडि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो भूमिमा हामीले वैसे ही महानिर्देशक अधिकारी तत्काल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के हवाई उड्डयन में देखल गई ट्रैफिक जाम समाधान करे के खातिर जेठ 2 गते से 24 घंटा संचालन में लिया लागल बतौले बानी। वहाँ के जेठ 2 गते से गौतम बुद्ध विमानस्थल भी 24 घंटा संचालन होके के बतौनी हा। गौतम बुद्ध को जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा जेठ 2 गते मे 16 देखि
यो विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुनेछ र सोही दिन यो विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन समेत हुनेछ। वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ सुक्सेही रातकै 8 बजेकै बाद कोनो भी उडान भरे नसके कहत विफेकेको विज्ञप्ति जारी कैले रहे। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुकेसेही रातकै 8 बजेकै बाद आन्तरिक हवाई उडानके तालिका राख्ला पर सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गरेको सङ्केत चेतावनी समेत देखल गेल रहे। भोजपुरी समाचारमे अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। कोनो भी उम्मीदवार सबके मत देव के सके वाला व्यवस्था राइट टू रिजेक्ट कार्यान्वयन ना भइल कहत सर्वोच्च अदालत में अवहेलना निवेदन दर्ता भइल बाटे। अधिवक्ता स्वागत नेपाल राइट टू रिजेक्ट अर्थात नो भोट के व्यवस्था कार्यान्वयन में ना आइल कहत सरकार वाला विरुद्ध अवहेलना के कार्रवाई के मांग करत निवेदन दर्ता करौले बानी। वहाँ के दायर कैल निवेदन में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कानून मंत्री गोविंद बंदी निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी सबके विपक्षी बनाल गई बाटे। सर्वोच्च अदालत मतपत्र में उम्मीदवार सबके मत देवे के व्यवस्था भी समावेश करके कह के सरकार से नाम में आदेश जारी कैले रहे। उहे फैसला कार्यान्वयन ना भइल कहत अधिवक्ता नेपाल अवहेलना निवेदन दर्ता करौले बानी। महंत ठाकुर नेतृत्व के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल स्थानीय तह निर्वाचन के घोषणा पत्र सार्वजनिक कैले बा। सुके काठमांडू के बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में उ घोषणा पत्र सार्वजनिक कैल गेल हुए। घोषणा पत्र में सभी महिला सबके निःशुल्क शिक्षा हासिल कर पर के व्यवस्था करे के सार्वजनिक सवारी साधन निःशुल्क करे के गरीब के खातिर स्वास्थ्य उपचार फ्री करे के व्यवस्था करे के महत्वाकांक्षी योजना सब उल्लेख कैल गेल बा। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अंतर्गत दक्षिण कोरिया जाए खातिर लेहल गेल कोरिया भाषा परीक्षा के कार्यक्रम पछाड़ी धकेल गई बाटे। इससे पहले भाषा परीक्षा वैशाख 26 गते से होखे के कहला पर अब जेठ 15 गते से शुरू होखे के कार्यतालिका में परिवर्तन कैल गई बाटे। ईपीएस कोरिया शाखा के मुताबिक ईपीएस के रोजगारी में जाए वाला के कोरिया भाषा के परीक्षा स्थानीय निर्वाचन के कारण 20 दिन बाद सारल गई उल्लेख कैल गई बा। कोरिया के मानव संसाधन विभाग संगे के सलाह लेके ही परीक्षा सारल गई शाखा जनौले बा। आज से देश के अधिकांश स्थान में पानी पड़े के क्रम बढ़े के भइल बाटे। देश के कुछ ठाव में फाटफुट पानी पड़ते गैला पर आज से बहुते ठाव में पानी पड़े के शुरू होके के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। भारत के बिहार में बनल न्यून चापीय प्रणाली पश्चिमी वायु और स्थानीय वायु के प्रभाव से देश के बहुते जैसन पहाड़ी क्षेत्र में आज पानी पड़े के संभावना रहल मौसमविद लोग के कहना बाटे। आज प्रदेश से एक बागमती और गंडकी प्रदेश के बहुत जैसन पहाड़ी क्षेत्र और तराई के कुछ ठाव में पानी पड़े के संभावना रहल बाटे। इस हफ्ता से पानी पड़े के क्रम बढ़ते जाए के और तापक्रम घटे के महाशाखा जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजार में आज सोना के दाम प्रतितोला 1200 रुपया से बढ़ल बाटे। कालू बीफे के प्रतितोला 98,000 रुपया में कारोबार भइल सोना आज प्रतितोला 99,200 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचादी व्यवसाय महासंघ जनौले बा। कालू बीफे के तुलना में आज सुख के सोना के दाम प्रतितोला 1200 रुपया से बढ़ल हुए। कालू प्रतितोला 1000 रुपया से घटल रहे। महासंघ के मुताबिक आज तेजाबी सोना के दाम प्रतितोला 98,700 रुपया रहल बाटे। वैसे चानी के दाम स्थिर रहल बाटे। कालू बीफे के प्रतितोला 1320 रुपया में कारोबार भइल चांदी आज भी उहे मूल्य में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के राजधानी कीव पुगल समय वहाँ रॉकेट आक्रमण भइल बाटे। गुटेरेस कीव सेंट्रल सेवचेंज के जिला में 2 गो रॉकेट आक्रमण भइल हुए। आक्रमण में पड़के 3 जने घायल भइल बाटे। यूक्रेन और रशिया बीच युद्ध हो रहा समय वहाँ के कीव पुगने हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की संगे के भेंट के बाद वहाँ के अपन संस्था के सुरक्षा परिषद के विरोध कैने हुए। वहाँ के सुरक्षा परिषद से यूक्रेन युद्ध रोके खातिर वा
अन्त्य गरे खातिर नासकल कहत आलोचना कैले रहे। सुरक्षा परिषद प्यारालाइन्ड भैलाबाद संयुक्त राष्ट्रसँग युक्रेन युद्ध रोके खातिर काम कर रहल उहाँके दावी बाटे। ओक्रममे जेलेन्स्की गुटरेस नजदिक से युद्ध अपराध देख रहल बताउले बाने। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टीम से 10 जने खिलाड़ी सब छोड़ला बाद नया खिलाड़ी के थप कैल गेल बाटे। आसन्न एशियन कप सनौट के तैयारी में रहल नेपाली टीम 10 खिलाड़ी सब से प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारी संगे विवाद भैला बाद कैंप छोड़ले रहे। बीफे के खिलाड़ी सब पत्रकार सम्मेलन करके प्रशिक्षक के व्यवहार के कारण अपना सब कैंप छोड़े के बाध्य भेल बतौले रहे। उ सब कैंप छोड़ला बाद मुख्य प्रशिक्षक अलमुतारी नया खिलाड़ी सब के समावेश करके प्रशिक्षण करा रहल बानी। इन्फा अधिकारी सब के रूप में नया खिलाड़ी सब के नाम सार्वजनिक निके कैल गेल। प्रशिक्षण में शामिल सब के तस्वीर मुताबिक रूप बहादुर लामा, नीरकुमार राय, शिव गुरुंग, विकास तामाङ, जर्ज प्रिंस कार्की, आकाश बुढ़ामगर, प्रशांत अवस्थी, अभिषेक बराल, विशाल सुनार, शेषहांग आंगदांगबे प्रशिक्षण में शामिल भइल बाटे। लोग छनौट में समूह ए में रहल प्रतिस्पर्धा करी नेपाल रहल समूह में कुवेत, इंडोनेशिया और जोर्डन रहल बाटे। नेपाल के समूह के छनौट खेल सब कुवेत में आवेला 8 से 14 जून तक आयोजना हो कि हरेक समूह के शीर्ष टोली और 5 समूह की उत्कृष्ट दोसरका टोली चीन में आयोजना होके वाला एशियन कप 2023 में स्थान बनाई। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। स्थानीय तह के निर्वाचन खातिर देशभर 1.5 लाख से ज्यादा पद में मनोनयन दर्ता, उम्मीदवार फिर्ता लेवेला आज अंतिम दिन। स्थानीय तह निर्वाचन में बागी उम्मीदवार से दल के मनोनयन फिर्ता लेवेला कांग्रेस के आग्रह। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी के रीट में आज तेसर दिन अंतरिम बहस हो रहा। अंतरिम आदेश के निरंतरता मिली तो अधिकारी नियमित काम में ही रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटरेस यूक्रेन में राजधानी की पुगल। समय में रॉकेट आक्रमण, गुटरेस नजदीक से युद्ध अपराध देख रहा जेलेन्स्की के कहना। आ नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से 10 जने खिलाड़ी निकलला बाद नया खिलाड़ी थप करके बंद प्रशिक्षण जारी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।